तुझे पता है डैडी की दोनों शादियों से पहले एक चक्कर भी रहा है जो अब तक चल रहा है। क्या कह रही है लोग? ऐसा नहीं हो सके से दीदी। अरे ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। डैडी के पहले प्यार का प्रेम पत्र मेरे हाथ लगा है, ये देखो। हे भगवान, यो सब मारे को क्या सुनना पड़ रहा से? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो सुनो। हाँ। मेरे प्यारे आनंद, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम शहर छोड़कर वापस गांव आ गए हो, पर बहुत बुरा भी लगा कि साथ में उस भैंस को भी लेते आए हो। हमरे एजी ओजी भैंसिया को कब साथ लाए अपने? अरे भैंसिया तो पहले से ही यहाँ है। अब तुम सोचते होगे कि तुम भैंस कहाँ लाए, तो सुनो, तुम्हारी वो मोटी बीवी किसी भैंस से कम है क्या? वो घस कटिया हमको भैंसिया बुला रही है। जब तुमने बताया कि हमारा दिया हुआ ताजमहल तुमने आज तक अपने बक्से में संभाल कर रखा है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। अब तुम जल्दी से उस भैंस को तलाक दे दो और हमसे शादी कर लो। 2-4 साल बाद परिक्रमा के बगल में उस भैंस की भी फोटो लटका देना। तुम्हारा पहला प्यार डॉट 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 और हाथ से लिखने की बजाय टाइप करके भेजा है। वेरी स्मार्ट। आई हो तंदा, इनकी जिंदगी में कोई और नहीं हो सकती। हम अभी जाकर इनके बक्से में देखते हैं कि वहाँ पे ताजमहल है कि हवा महल। मम्मा तो अंदर चली गई ताजमहल देखने, अब क्या? अरे दीदी फिकर नॉट, मन ने तो पहले ही छोटी को बोल के बापू के बक्से में ताजमहल रखवा दिया से। हाँ, यही तो वो विग है। जब हमारे ससुर जी गुजरे, उसके ठीक पहले हमसे बोले, आनंद बेटा तेरी 5-5 बेटियां हैं, याद रखना इनकी शादी कराने के टेंशन में पक्का बाल चले जाएंगे तेरे। देख लो आज बिग हमारे पास है? तो आपका दिल जरूर जल रहा है, बास यहाँ तक आ रही है। कैसे? अरे जल गया, अरे जल गया। अब अगर बीना को पता चल गया, वो तो पक्का हमको ससुर जी के पास पहुंचा देगी। कुछ भी तो नहीं हुआ। यहाँ तो ताजमहल पहले से ही विराजमान है। तुम्हारा पहला प्यार डॉट डॉट डॉट। अयो दादा, माने के एजी ओजी की जिंदगी में पहले से ही कोई और है। डॉट डॉट डॉट। अफसोस, आखिर आपको भी यो सच पता चल ही गया। नहीं, ये सब नहीं हो सकता डैडी, ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते। आयो दादा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम रहे जी हो जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। पर किया। तुमको, कहाँ है तुम कहाँ भागती नहीं हो हैं? मतलब अरे तुम बार बार गिरने में कहाँ बिजी रहती हो? क्या करें, आपको देखते ही हमारे पैर भारी हो जाते हैं। हे जी, आजकल क्या सिर्फ देखने से ही पैर भारी हो जाते? हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था भाई। देखो, तुम्हारे जमाने में जैसे पैर भारी होता था ना, आज भी बिल्कुल वैसे बच्चे पैदा होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ देखने से पैर भारी हो जाते ना, तो हमारे देश की जो आबादी है वो 125 करोड़ नहीं 5000 करोड़ हो जाती, समझी? हम आप पर जानबूझकर नहीं गिरे, पर आप अपनी गलती का गुस्सा हम पर काहे निकाल रहे हो? हमारी क्या गलती है? आपकी गलती से आपके ससुर जी का विग जल गया और उसका गुस्सा आप हम पर निकाल रहे हैं। ये तुमको कैसे पता? तुमने कैसे देखा? हम तो आपको हमेशा ही देखते रहते हैं। गई, लेकिन जहां पर इसने हमको पक्का देखा है ना, पहले उसके बारे में सोचते हैं। अरे भाई, ये बात तो बीना को पक्का बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर झपली ने बीना को बताती तो पक्का हमारे घर में भौचाल आ जाएगा। अरे बीना, अच्छा हो गया तुम आ गई। देखो, हमें ना तुमसे एक डायरेक्ट बात करनी है। कहीं इनको उसी बारे में तो बात नहीं करनी। आयो दादा, कौन सी बात है? देखो, हमारे घर में जो हमारे कमरे में जो बक्सा पड़ा है ना, उस इससे आगे हम और कुछ नहीं सुन सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैं? और ऐसा क्या है जो तुम ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में मत बोलना कि हमको बताया काहे नहीं। हाँ, मत बोलना बाद में। बाद में लगे रहते हैं, पहले बता देते हैं। पहले काहे नहीं बताया? पहले आई हो दद्दा, बक्से में ताजमहल, कुर्ते में मुमताज महल, लगता है बोरा गए शाहजहां। ए जी, ओ जी, चलिए कुर्ता निकालिए। हाँ? भरी दोपहर ऐसी बात कहाँ कर रही हो? इसमें लजाने की कोई बात नहीं है, जितना कह रहे ना चुपचाप उतना करिए। चलिए कुर्ता निकालिए। हाँ? अरे कुर्ता कहाँ निकालना है? लेकिन कहाँ? अच्छा निकालिए। ओहो, ऐसा भी कहाँ हो गया अचानक? साफ कुर्ता है। कि ये लिपस्टिक का निशान किसका है और कहाँ से आया? छबरी हम पर गिरी थी। हो सकता है उसी ने लगाया हो। आयो दादा, बोलते काहे नहीं? बोले तो नहीं ना। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि वो कौवा कौवा हमारी पीठ को पपीता समझकर अच्छा चोंच मार गया। आयो दादा, ये कौवा नहीं, कौवाइन है, कौवाइन। और हमको का बुड़बक समझे आप? आजकल के जमाने में कौवाइन कभी लिपस्टिक लगाती है? कहाँ? साफ साफ बताइए, ये निशान कहाँ से आया और किसका है? बता तो दें तुमको सच सच, लेकिन क्या है कि तुम दुखी मत होना, नाराज मत होना। आयो दादा, अरे इतनी देर काहे कर रहे हैं आप? इतना टाइम ले रहे हैं ना, तो हमारे दिल की धड़कन दुकुक 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 कर रही है। जल्दी बताइए ना। तुम्हारे बाबूजी जो हमको विग दिए थे ना पहनने के लिए, वो गीली हो गई, तो सुखाने के लिए इस्त्री मारे तो जल गई। अब हम अपने बाबूजी को अपना कौन सा मुंह दिखाएंगे? अरे ऊपर जाने से पहले दिखाने वाला मुंह तो तुम नीचे छोड़ के जाओगी ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि तुम्हारे जो बापू है वो तो परलोक सिधार चुके हैं। अब सिर्फ अपना मुंह उनको दिखाने के लिए उनका पीछा करने की क्या जरूरत है? ओए दादा, ये सब छोड़िए, एक जगह रुकिए ना। हाँ। बाकी हमको ये बताइए कि ये लिपस्टिक का निशान कौन सी चिड़िया का है जिसका निशान लेके गांव के चारों तरफ फुदक रहे हैं? हाँ? अरे कोई चिड़ैया फिरैया नहीं है भाई। आयो दादा, आप हमको उल्लू बना रहे हैं, हमको बुड़बक समझे है का? हमको सब पता चल गया है, आपका गांव में कोनो चक्कर चल रहा था, यहीं से आप हमको और बेटियों को बनारस छुड़वा के यहाँ गांव में लेकर आए हैं। मामा, हम लोग पैकिंग शुरू करें? पैकिंग? आयो दादा, अभी नहीं, पहले हम इस बात का पता लगाएंगे कि ये कौन सी चिड़िया है, उसका पता लगाकर उसे सबके सामने लेकर आएंगे। हाँ दीदी, अगर मम्मा को पता चल गया कि वो लिपस्टिक के निशान झबरी चाची के हैं, तो उन बेचारी की तो खैर नहीं। हमें पापा को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। चलो थोड़ी हा? तो तुम सब लोग मिलकर ये घटिया हरकत की हो? हाँ पापा, मैंने ही चुपके से जबरी चाची को लंगड़ी मारी थी ताकि वो आपकी पीठ पर जाकर टकराएं और उनकी लिपस्टिक का निशान आपकी शर्ट पर लग जाए। और डैडी, आपको पता है आपके बक्से में ताजमहल भी हमने छोटी को कह के रखवाया था, और वो प्रेम पत्र वो भी हमने टाइप किया था और मम्मा को सुना दिया था ताकि उनके दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो और वो जल्दी से हमें बनारस ले जाए। बाबा, तुम लोगों को शर्म नहीं आया ऐसा काम करते हुए? लेकिन अब यही सच्चाई अपनी माँ के सामने भी बोलना, समझी? अरे बीना, ओ बीना, कहाँ जा रही हो? बिना बिना चिल्ला रहे, बिना के बिना आपका गुजारा नहीं है का? अरे नहीं है, अरे मतलब नहीं है, लेकिन ये तो हमारा कुर्ता लिए कहाँ बाहर जा रही थी? पता लगाने कि लिपस्टिक का दाग आखिर है किसका। अरे अब बताओ। अगर बीना दीदी को पता चल गया कि वो निशान हमारा है तो हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ना हम पहले जाकर अपना सामान पैक कर लेते हैं। हाँ। अपनी माँ के सामने सच सच बताओ, लेकिन याद रहे सच बताना, जो कहना सच कहना, सच के अलावा कुछ मत कहना। मैं स्वीटी के सर पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी, ये सारा ड्रामा हम लोगों ने किया था ताकि आप पापा पर शक करें और हम सबको वापस बनारस लेकर चले। आयो दादा, बस में ये लिपस्टिक का दाग कहाँ से आया? हाँ? ओफो मम्मा, ये तो मेरे होठों का है। मुझे अपनी लिपस्टिक का कलर टेस्ट करना था तो मैंने डैडी के कुर्ते पे लगा दिया और उनको वैसे ही पहना दिया। हो दादा, हमको तुम सब के सब बुड़बक समझे हो का? ये स्वीटी के होठों का निशान नहीं है, लेकिन तुम सब के सब एक बात कान खोल के सुन लो, जिस किसी का भी लिपस्टिक का निशान है ना, हम ढूंढ के निकालेंगे। ये सारी गड़बड़ी हम लोगों की वजह से हुई है, इसलिए अब हम ही इसे ठीक करेंगे। अरे तो इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है? घबरा के हम एक नाटक वाली लड़की को जानते हैं जो ये काम कर देगी फड़फड़ा के। तो धनी चाचा, आप ना जितनी जल्दी हो सके ना उससे बात कर लीजिए, और जितने भी पैसे लगेंगे ना आप चिंता मत कीजिए, वो पैसे हम दे देंगे। हाँ, ऐसा कहना चाहती है ये। हाँ। ठीक है, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। लड़की का मुंह तो सुरसा जैसा है, एक बार खुल गया किटकिटा के तो बस बार बार खुलता ही रहेगा पिटपिटा के। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, सीधा आदमी कैसा धनी राम जैसा। आयो दादा, न जाने ये लिपस्टिक का निशान किसका है। ए भौजी, ए ननदिया, ए हरावा, सासू बहुरिया, देवरानी जेठानिया, जरा इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सब लोग अपना अपना चुम्मा इस कुर्ते पे दे दो। वो कहा है ना हम चुम्मे वाली माता के दर्शन को जा रहे हैं, तो सोचे गांव की सारी औरतों के चुम्मे के निशान ले जाए और उनके चढ़ावे पे चढ़ा दे, भेंट चढ़ाएंगे तो सबकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ आई हो दारे का है समारी है भूजिया, आइए आइए आइए। हाँ अबू जी आयो तो दही भी नहीं है अब। अरे चाची जी, चाची जी प्रणाम। इसका भी कोनो भरोसा नहीं, हो सकता है ये हमरे एजीओ जी को चुम्मा दिया हो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? ए खलिया हमको चुम्मा दे दो। अरे नहीं 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 नहीं, छी 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 चाची जी आप काम हमसे काहे करवा रही है? और हमने अगर आपको चुम्मा दिया तो मुखिया जी हमसे नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी हम किसी और की अमानत है। हाँ आयो दादा बोरा गए हो का? अरे हमको चुम्मा देने की बात नहीं कर रहे, इस कुर्ते पे चुम्मा देने की बात कर रहे हैं। अरे वो कहा है ना हम चुम्मे वाली माता के पास जा रहे हैं, तो ये चुम्मे वाला कुर्ता उनके चरणों में धर देंगे और सबके लिए आशीष मांग लेंगे। हाँ। इलो ये कंपनी का तो हमारे पास है। भगवान इसका चुम्मा ना मिल जाए। आयो हो दादा किसी का भी चुम्मा नहीं मिला। अरे तुम पगला गई हो क्या? वहां पर पीना तुम्हारे होठों का निशान लेके पूरे गांव भर में ऐसे ऐसे घूम रही है, पर तुम होके यहाँ पर ऐसे पागलों की तरह हंसती चली जा रही हो, क्या मार रही हो, क्या हो गया? आनंद बाबू दीदी तो बाहर लिपस्टिक के निशान मिला रही है और हम तो घर में बैठे हैं, तो लिपस्टिक का निशान मिलेगा कहाँ से? और अगर मिल आए हो दादा सारे गाँव का चुम्मा लेकर आए। हो हम इस कुर्ते पे चुम्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी लिपस्टिक का निशान इस लिपस्टिक के निशान से नहीं मिल रहा। फिर ठीक है ढूंढना तो पड़ेगा, मतलब कुछ है तो नहीं, तो कहाँ ढूंढ रही हो? अरे झबरी जरा चाय बनाओ। एक मिनट ये बीना पहले पुलिस में थी क्या? ए जबरिया माना कि तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो, लेकिन एक बात तो तुम भी मानती हो ना, हाँ कि जब घर पे आग लगती है ना तो एक एक तीली पे शक होता है। हाँ बुरा मत मानना, लेकिन अपने लिपस्टिक का निशान ना तुमको भी इस कुर्ते पे देना होगा। हाँ रुक जाइए ना। जिसे ढूंढ रही हैं वो इधर है। आयो दत्ता तुम कौन हो? आनंद बाबू का पहला प्यार। आयो दत्ता